अंदर सात औसाफ हूं, सात खूबियां हूं, वो फलाह पा गए। सबसे पहले हम ये समझ लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फलाह, फलाह का मफहूम क्या है। फलाह का मतलब है कि तमाम मुरादें पूरी हूं और तमाम परेशानियां दूर हूं, इसको कहते हैं फलाह। जाहिर है कि दुनिया में किसी भी इंसान की सारी तमन्नाएं, सारी आरजुएं, सारी मुरादें पूरी नहीं होती, और उसकी सारी तकलीफें दूर नहीं होती। बहुत सारी आरजुएं, शर्मिंदे ताबीर नहीं होती, और आदमी बेशुमार तकालीफ के दरमियान घिरा रहता है। आदमी की एक तमन्ना पूरी नहीं हुई कि दूसरी तमन्ना सर उठाए खड़ी रहती है। बकौल गालिब के हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो आदमी की एक आरजू पूरी नहीं होती कि दूसरी आरजू सर उठाए खड़ी रहती है, और आदमी अभी एक मुश्किल से निकला नहीं कि दूसरी मुश्किल के जाल में फंस जाता है। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया दारुल महन है, आजमाइश का घर है, और आजमाइश कभी नेमतें अल्लाह देकर करता है और कभी लेकर करता है। कभी खुशी देकर के आजमाता है और कभी गम देकर आजमाता है। कभी आसानी है, कभी परेशानी है, कभी मसर्रत है, कभी गम है। तो दुनिया में इंसान की सारी तमन्नाएं पूरी नहीं होती, सारी तकलीफें उससे दूर भी नहीं होती। इसका मतलब, फलाह का मतलब यह है कि आदमी को अगर जन्नत मिल जाए तो उसकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएं और तमाम तकालीफ दूर हो जाएं। तो फलाह का मकाम दर हकीकत जन्नत है। जो आदमी जन्नत में पहुंच गया वो फलाह पा गया, और पांच वक्त अजान में मुअज्जिन इसी फलाह की तरफ बुलाता है, हैया अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। यानी वो आपको जन्नत की तरफ बुला रहा है। किनको बुला रहा है? जो लोग बेकार सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, बेकार में होटलों की गर्दिश कर रहे हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, घरों में खरमस्तियां कर रहे हैं, सबको मौज़िन आवाज देता है कि ये सारी चीजें जिनमें तुम मशगूल हो फलाह नहीं है। वो फलाह की तरफ मैं तुम्हें बुलाता हूं, जहां इंसान की तमाम मुरादें पूरी हो जाएं और सारी तकलीफें दूर हो जाएं। फलाह की जगह दुनिया नहीं है, दुनिया तो दारुल महन है, फलाह का असली मकाम जन्नत है। जन्नतियों जैसा काम करो, जन्नत में आ जाओ, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी और सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। तो फलाह पाने वाले सात लोग, फलाह का मतलब ये, जैसा कि मैंने बताया, वो सात सिफतें कौन सी हैं कि अगर ये सिफतें किसी इंसान में आ जाएं तो वो फलाह पा जाए, यानी जन्नत में चला जाए। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم واحدهم راعون. یہ سات اوصاف جن کے اندر ہوں وہ فلاح پا گئے یعنی جنت پہ پہنچ گئے. پہلے درجے میں ہے ایمان, اس لیے کہ ایمان کے بغیر انسان کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا, اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی صورتاً نیکی تو ہے مگر وہ عمل صالح نہیں. بہت سارے غیر مسلم ہیں جو اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن بغیر ایمان کے. تو ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل عمل صالح نہیں ہوتا. عمل کو صالح ہونے کے لیے پہلے ایمان ضروری ہے, تو پہلے ایمان, اس کے بعد نماز. نماز کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ایمان کے بعد نماز ہی کا تذکرہ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ظہور کا پہلا مقام, ایمان کا پہلا مظہر نماز ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کے فوراً بعد نماز کو ذکر کیا گیا, گویا کہ نماز ایمان سے اور ایمان نماز سے ریلیٹڈ ہے. اور نماز کی حقیقت کیا ہے, جیسے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, کسی چیز میں سب سے زیادہ اہم کون سی چیز ہوتی ہے, بدن انسانی میں سب سے اہم چیز کون سی ہے, سر ہے, ایسے ہی ایمان میں سب سے اہم چیز کون سی ہے, توحید. اور نماز میں سب سے اہم چیز پہلے نمبر پہ ایمان, ایمان میں سب سے اہم چیز کون سی, توحید. نماز, نماز میں سب سے اہم چیز کیا بتایا گیا, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع ہونا ضروری ہے, نماز میں خشوع کا پایا جانا ضروری. اب خشوع کس کو کہتے ہیں اس کو میں سمجھا دوں. خشوع کہتے ہیں کہ آدمی قصدن خیال غیر دل میں نہ لائے, یہ ہے خشوع. یوں خیالات دل میں آ جائیں, وساوس آ جائیں تو اس سے نماز پر اثر نہیں پڑتا, نماز ہو جاتی ہے. لیکن قصدن اور ارادتن آدمی خیال غیر کو دل میں لائے, یہ خشوع کے منافی ہے. تو خشوع کسے کہتے ہیں, جان بوجھ کر کے قصدن آدمی اللہ کے علاوہ کا خیال دل کے اندر لائے تو یہ خشوع نہیں, اس سے بچے تو خشوع کہتے ہیں. اور حدیث جبرائیل کے اندر اس کی وضاحت کی گئی کہ احسان کس کو کہتے ہیں, ان تعبد اللہ کانک ترا, تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب بتائیے یہاں غیر کے خیال کی گنجائش کہاں رہے گی. بتائیے آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی پوری توجہ کہاں ہونی چاہیے, بادشاہ کی طرف. آپ بادشاہ سے بات کر رہے ہیں, اب بادشاہ آپ سے ہم کلام ہے, آپ بادشاہ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں یا بادشاہ سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں, آپ بادشاہ سے بات چیت کر رہے ہیں. اور اگر آپ دائیں بائیں دیکھیں آگے پیچھے دیکھیں تو بادشاہ کیا کرے گا, آپ کو دربار سے بے عزت کر کے نکلوا دے گا یا گردن مار دے گا کہ اس نے میری عظمت کا خیال نہیں کیا, میں اس سے ہم کلام ہوں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا. تو نماز کی حقیقت خشوع ہے, اور خشوع کا مطلب دل میں قصدن خیال غیر کو نہ لائے, خشوع. اور خامخواہ اعضا و جوارح کو حرکت نہ دے. یہ سب بلا وجہ آدمی اعضا کو نماز میں حرکت دے رہا ہے, یہ بھی خشوع کے خلاف. خامخواہ بال کھجا رہا ہے, خامخواہ بدن کھجا رہا ہے, خامخواہ کپڑے ٹھیک کر رہا ہے, خامخواہ ٹوپی سیدھا کر رہا ہے, خامخواہ ناک میں انگلیاں ڈال رہا ہے, کان میں انگلیاں ڈال رہا ہے. تو قصدن خیال غیر کو دل میں نہ لائے, ساتھ ساتھ اعضا و جوارح کو ساکن رکھے جہاں تک ہو سکے. بلا ضرورت اعضا و جوارح سے فضول کی حرکتیں نہ کرے, یہ تمام چیزیں خشوع کے خلاف ہیں. صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے
कि एक सहाबी के बदन में तीर घुस गया था, निकालते तो फल जब अंदर घुस जाता है तो तीर निकलता नहीं है, निकालते तो बहुत तकलीफ होती और खून वैसे भी बहुत तेजी से बह रहा था। उन्होंने कहा एक तरीका है, मैं नमाज में खड़ा हो जाता हूं तीर निकाल लेना। नमाज में खड़े हुए तीर निकाल लिया गया, एहसास भी नहीं हुआ उनको। यह है नमाज के अंदर खुशू का अंदाज, यह है खुशू। तो قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون, वो लोग लगव चीज से एराज करते हैं, हर वो चीज लगव है जिससे कोई दीनी फायदा ना हो, जिससे कोई दीनी फायदा ना हो और कोई जायज दुनियावी फायदा ना हो, ये दोनों चीजें मिला लें। लगव हर उस चीज को कहते हैं जिससे कोई दीनी फायदा ना हो और जायज दुनियावी फायदा भी ना हो, कोई दुनियावी फायदा तो जायज है वो भी ना हो, इसको कहते हैं लगव। उसमें कोई दीनी फायदा ना हो और दुनियावी जायज फायदा ना हो, और अगर कोई ऐसी चीज हो जिससे दीन के ऊपर असर पड़ रहा है तो वो चीज नाजायज हो जाती है। क्रिकेट देख रहा है, अजान हुई नमाज कबूल से मालूम नहीं, दुरुस्त नहीं है इस तरीके से क्रिकेट देखना, ये लगव है। وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, یہ تیسری صفت ہے کہ وہ لوگ لغو سے اعراض کرتے ہیں, لغو سے بچتے ہیں, خامخواہ کی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں, بلا وجہ بحثوں میں الجھے رہتے ہیں اور جس بحث کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ فرض کے اوپر توجہ نہیں ہوگی, نفلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, تراویح میں بعض لوگ پھنسے ہوئے ہیں بیچارے, अभी तरावी का मसला नहीं हुआ जबकि वो नफल है, अगर कोई ना भी पढ़े तो उससे कोई गुनाह होने वाला नहीं है, शरीयत उसके ऊपर कोई गिरफ्त करने वाली नहीं है। अब उसमें जायज ना जायज फला बिदाती फला, ये किलो काल है। ऐसे लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि मुफ्ती मत बनो, मुत्तकी बनो, आता जाता कुछ नहीं और बन गए हैं मुफ्ती। हालांकि उनको चाहिए कि मुफ्ती ना बने, मुत्तकी बने। इल्म के बगैर आदमी मुफ्ती नहीं होता, उसको चाहिए कि मुफ्ती बनने के बजाय मुत्तकी बने। तो वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिज़ून, जो लोग लग़्व से एराज करते हैं, ये तीसरी सिफत है। अच्छा चौथी सिफत, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जो लोग जकात अदा करने वाले हैं। अब बताइए कितने लोग यहां बैठे हुए हैं जो अपने मालों में सही तरीके से जकात निकालते हैं। आप नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर आप जकात नहीं निकाल रहे हैं, जाहिर है कि आप फलाह नहीं पा सकते, इसलिए कि आपने इस्लाम का एक अहम जुज नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया उसको। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, जकात अदा करने वाले। चार, वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, बीवियों ही तक महदूद रहते हैं, वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और कहीं नहीं जाते। और कहा गया कि अगर फिर किसी बीमारी में मुब्तला हो गया आदमी तो वो अपने आप ही को इल्जाम दे, जालिम वही है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़ौलाइका हुम राजिऊन, गलत औरतों के पास जा रहा है, और अगर वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गया तो वही तजावुज करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खबरदार कर दिया है। ये पांच सिफतें। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम, अगर आपके पास किसी ने अमानत रख दी है तो उस अमानत की हिफाजत कीजिए, वो मांगे जब भी मांगे अमानत वापस कर दीजिए। बास लोग तो इतने अमीन और इतने अमानतदार दिखाई दिए कि अगर उनको एक एक हजार की नोट 10,000 दे दी गई तो आपको वही नोट लौटाते हैं कि आपने जो नोट दी थी बेईनी वही नोट हम लौटा रहे, हमने आपके पैसे को टच भी नहीं किया, यह है हमारा दायरा। जबकि वो आदमी अगर 10,000 उसने रखा हुआ है दूसरे पैसे भी दे सकता है वो, लेकिन बाज लोग उस पैसे को हाथ नहीं लगाते,
इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानत इला अहलिहा, अल्लाह हुक्म देता है कि तुम अमानत रखने वाले के हवाले कर दो, अमानत में खयानत न करो। तो एक है अमानत अदा करते हैं, अमानत में खयानत नहीं करते। सातवें नंबर पे वअहदहिम राउन, वादा करते हैं, अहद करते हैं तो अहद को पूरा करते हैं, वादा करते हैं तो वादे को पूरा करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को जिन लोगों के दरमियान भेजा, कट्टर मुशरिक तो थे, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते थे, मुर्दार खाते थे, बुतों की पूजा करते थे, बात बात पर तलवार निकाल लेते थे, और खून बहाना उनके लिए एक मामूली चीज थी। लेकिन एक सिफत उनके अंदर बहुत गजब की थी, क्या वो ईफाए वादा को, ईफाए अहद को दीन का दर्जा देते थे। ये मुशरिकीन का एक बेहतरीन वस्फ है जो सीरत के मुताले से मालूम होता है। वो ईफाए अहद को, अहद के पूरा करने को, वादा कर लिया तो उसकी तकमील को वो लोग दीन का जुज समझते थे, उसे दीन समझते थे। सर कट जाए मगर जो वादा किया है, जबान दी है, जबान न कटने पाए, वो लोग ईफाए अहद को दीन का दर्जा देते थे। ये एक खुसूसी वस्फ था उन मुशरिकीन के अंदर जिनके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को भेजा। तो ये सात औसाफ जिनके अंदर हूं उनके लिए क्या मुजदा सुनाया गया, फलाह का। और कहा गया उलाइकहुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। वारिस क्यों कहा गया? एक होता है मूरिस, वारिस बनाने वाला, जैसे मर गया आदमी, अब उसके बाद जिसको माल मिलता है उसको कहते हैं वारिस। अब जब कह दिया गया कि ये जन्नत के वारिस हैं तो मूरिस का माल वारिस को मिलता ही है, ये कायदा है। अगर मूरिस माल छोड़ करके मरा है तो उसका माल वारिस को पहुंचता ही है। और जब कह दिया गया कि जन्नत के ये वारिस हैं, इसका मतलब जन्नत इनको जरूर मिलेगी। जैसे मूरिस का माल वारिस को पहुंचता है, ऐसे ही इन सात औसाफ के हामिलीन के लिए, मुत्तसिफीन के लिए जन्नत है, वो जन्नत के वारिस हैं। ऐसा नहीं कहा गया जन्नत मिलेगी, बल्कि कहा गया जन्नत के वारिस हैं ये, इसलिए कि मूरिस का माल ला मुहाला वारिस को मिलता है। और यहां से कभी निकाले नहीं जाएंगे, इसके अंदर हमेशा रहेंगे। तो ये सात औसाफ जिनके अंदर वो जन्नती। उसके बाद मदारिज तख्लीक इंसानी बताए जा रहे हैं, सात हैं, सात मदारिज हैं, सात दर्जात है पैदाइश के। वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम जअलनाहु फी करारिन मकीन ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر। ये सात मदारिज हैं तखलीक के। पहले मिट्टी, ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين فجعلناه ثم جعلناه في قرار مكين। अल्लाह ताला ने एक कानून बना रखा है, मिट्टी से उगने वाली चीजें इंसान खाता है उससे नुतफा बनता है, और ये नुतफा कहा जाता है माँ के रहम में, जिसको करारे मकीन कहा गया है। करारे मकीन का मतलब सेफ लॉजिंग, सेफ लॉजिंग। करारे मकीन में हमने पहुंचा दिया, सेफ लॉजिंग में चला गया हो अब। और ये एक हकीकत है, डॉक्टरों ने यह कहा है कि बदन का सबसे मजबूत हिस्सा माँ का रहम है, और पूरा बदन जब कब्र में सड़ गल जाता है तो सबसे बाद में गलने वाली चीज मां का रहम, इतना मजबूत होता है। डॉक्टरों ने क्या कहा कि बदन में औरत के सबसे मजबूत चीज उसका रहम है, बच्चेदानी, उम्र। और इंसान का बदन जब सड़ गल जाता है तो सबसे आखिर में सड़ने वाली चीज मां का रहम है, मतलब सबसे ज्यादा मजबूत चीज वही है। इसी वजह से इसको करार कहा गया, करार माने जम जाने वाली चीज, जल्दी खराब ना हो। मकीन करारिम मकीन, मकीन माने सेफ, तो उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है इन द सेफ लॉजिंग, सेफ लॉजिंग में वो डिपॉजिट हो गया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला मजीद मदारिज से गुजार करके तखलीक के फिर उसे इंसान बनाता है, कैसे, तौराब मिट्टी, अभी तौराब से नुतफा बना, नुतफा नुतफे के बाद अलका, फखलकना
ثم خلقنا النطفة علقة مٹی نطفہ نطفے کو جمع ہوا خون علقہ فخلقنا العلقة مضغة یہ جمع ہوا خون لوتھڑا بن جاتا ہے فخلقنا المضغة عظاما یہ لوتھڑا ہڈی بن جاتا ہے فقسونا العظام لحما ہڈی کو ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں پھر اس کے بعد روح پھونک دیتے ہیں گویا کہ انسان جب بن جاتا ہے آخری مرحلے میں اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے یہ سات مدارج تخلیق انسانی ہے اور اس کے بعد ثم انکم بعد ذلک لمیتون تم ایک مدت معینہ تک دنیا میں رہو گے اس کے بعد تم مر جاؤ گے ثم انکم بعد ذلک لمیتون اس کے بعد مر جاؤ گے پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے ایک دفعہ آدمی مر گیا تو قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ رکھا ہے بنا رکھا ہے کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں تو کمرہ جو ہوتا ہے مثلا شوہر مر گیا تو بیوی کیا کرتی ہے جہاں وہ بیٹھتا تھا زیادہ وہاں یا اس کے کمرے کے اندر صفائی کر دی جاتی ہے جمعرات کے دن پھر اس کی پسندیدہ چیزیں اس کمرے میں رکھ دی جاتی ہیں یہاں تک کہ اگر سگریٹ پینے والا رہتا تھا تو وہاں سگریٹ رکھ دی جاتی بیڑی پینے والا ہوتا تو بیڑی رکھ دی جاتی تھی جبکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں شراب کا رسیا اگر رہا ہوتا ہے تو شراب کی بہترین بوٹل وائٹ ہاؤس وغیرہ رکھ دی جاتی یا بوبن رکھ دی جاتی پتہ نہیں کتنی قسم لگ دی جاتی یعنی یہ عقیدہ یہ ہے کہ روحیں آتی ہیں اور اپنی پسندیدہ چیزیں نوش فرماتی ہیں یہ دنیا کی جیل ہے کہ کود کر کے بھاگ جاؤ اگر تم جہنمی ہو اور اللہ کی نافرمانی کر کے گئے ہو تو یہ برزخ جیل ہے یہاں سے بھاگ کر تم دنیا میں نہیں آ سکتے یہ دنیا کی جیل نہیں ہے الو بنا کر کے کسی کو دیوار پھانک کر کے باہر نکل سکو اور وہاں جو نگراں ہیں وہ دنیا کے جیلر کی طرح نہیں ہے کہ سو جائے اور آدمی بھاگ لے چور نکل جائے مجرم نکل جائے تو ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون تم مر جاؤ گے مرنے کے بعد تم قیامت کے دن اٹھاؤ جاؤ گے بیچ میں روحیں نہیں آتی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں مر گیا تھا یا کوئی غیر مسلم تھا اس کو جلا دیا گیا تھا کوئی عورت وہاں پہنچی تو وہ لپٹ گیا ارے وہ لپٹ گیا ارے اس کی روح تو برزخ میں ہے وہ کیسے لپٹ گیا کہتے نہیں وہ اپنا نام بتاتا ہے جی ہاں نام بتاتا ہے کیسے بتاتا ہے وہ در حقیقت شیطان ہوتا ہے آپ کا عقیدہ خراب کرتا ہے اسی کی آواز میں بولتا ہے اسی کی شکل میں آ جاتا ہے اور آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اسی کی آواز میں بولتا ہے کچھ تفصیلات بھی جو اس کو معلوم ہوتی بتاتا ہے وہ اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اسی مردے کی روح ہے جبکہ مردے کی روح برزخ میں چلی گئی اور جب برزخ میں چلی گئی تو قیامت کے دن ہی انسان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس کی روح کو چھوڑا جائے گا اور وہ اس کے جسم میں جائے گی اور پھر انسان کھڑا ہو جائے گا اس سے پہلے دنیا میں آنے کی کسی روح کو اجازت نہیں ہے چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اچھے لوگ ہیں تو اس دنیا سے جو کہ مصیبت کی جگہ تھی یہاں سے بچ کر کے تو نکلے بےچارے دوبارہ کیوں آئیں گے دھندا کرنے کے لیے دن دن بھر گاڑی چلاتے رہتے دن دن بھر پریشان رہتے دن دن بھر دکان میں ڈیوٹی کرتے ہیں دن دن بھر کھیتوں کی نگرانی کرتے کائے کو اس مصیبت کی جگہ پہ مصیبت کے مقام پہ دوبارہ آئے گا آدمی ایک دفعہ تو چھوٹ گیا اب دوبارہ جیل میں کیوں آئے گا تو اچھے لوگ اگر ہیں تو ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرتے رہتے ہیں ان کو دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو چھوڑا کیسے جاتا ہے مجرموں کو پیرول کے اوپر تھوڑی رہا کیا جاتا ہے یہ دنیا کی جیل تھوڑی پیرول کے اوپر رہا کر دیا گیا جاؤ اور گھوم گھام کر کے آ جاؤ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون تم مر جاؤ گے اور اس کے بعد قیامت کے دن ہی تم اٹھائے جاؤ گے تو سات اوصاف کے متصف لوگ جنتی پھر سات مدارج تخلیق انسان پھر سات چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ سات راستے ہیں آسمان میں ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق سبع میں سیون سیون روٹس سیون روٹس سات راستے ہیں یہ سات راستے کون سے ہیں مفسرین کے اس میں دو اقوال ہیں ایک تو یہ سات راستے جو ہیں اس میں سات قسم کی روحیں جاتی ہیں اور یہی یہ نقطہ ملحوظ رہے کہ جہنم کے بھی سات دروازے ہیں
तो जैसी रूहें होती हैं वैसा उनका रास्ता होता है। जहन्नम के सात दरवाजे, तो ये सात जो दरवाजे, सात जो रास्ते हैं, ये रूहों के जाने के रास्ते हैं। और एक कौल ये है कि ये सात रास्ते दर हकीकत फरिश्तों के आने जाने के रास्ते हैं। वलकद खलकना फौकुकुम सबा तराइक, हमने तुम्हारे ऊपर सात रास्ते बनाए। और कुछ लोगों ने कहा कि सबा तराइक से मुराद तह बतह आसमान है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ गिजाओं का तस्करा किया है, यानी आदमी जब पैदा हुआ तो उसको गिजा की जरूरत होती, तो गिजाओं का तस्करा किया ताकि आदमी खाकर जिंदा रह सके। और उसके बाद हजरत नूह अलैहि सलाम का तस्करा किया गया कि उन्होंने अपनी उम्मत के सामने सबसे पहले तौहीद की दावत पेश की। क्या? कि जिस तरह बदन को गिजा की जरूरत है, बगैर गिजा के बदन इंसानी जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे ही रूह की गिजा इबादत है, बगैर इबादत के रूह जिंदा नहीं रह सकती। ये बाज लोग कुछ एतराज करते हैं कि बच्चों को क्यों आप इधर उधर करते हैं। अब वो मुझे जवाब दें कि ये बीच से उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, क्यों क्यों एतराज करते हैं आप लोग? ये बीच से उठते हैं, बच्चों को कह दिया जाता है कि पीछे बैठो, बीच से उठते हैं तो डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता? तो मुझे काबिलियत बताते हैं लोग, बच्चे अगर आराम से बैठे बच्चों की तरह, कोई एतराज नहीं। वो मुझे मसले बताते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सात मदारिज तखलीक इंसानी, इंसान पैदा हुआ उसको गिजा की जरूरत, अल्लाह तबारक ने गिजाओं का तस्करा फरमाया। और उसके बाद जिस तरह बगैर गिजा के आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह रूह बगैर आसमानी हिदायत के जिंदा नहीं रह सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह का तस्करा फरमाया कि देखो उन्होंने इंसानों के सामने पहले तौहीद पेश की, शरीयत जरूरी है, हिदायत जरूरी है इंसान को जन्नत में जाने के लिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा और उनकी मां का जिक्र किया कि जब हजरत ईसा के ऊपर इन्हें खौफ हुआ कि ये बचपन में बोलने वाला बच्चा है, कहीं यहूदी इसको कत्ल न कर डालें और कत्ल के दर पे न हो जाएं, इनको लेकर के एक टीले के ऊपर चली गई। रब्बुआ वजालनाहुम 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 आयतन इला रब्वतिन, उनको हमने टीले के ऊपर भेज दिया, वहां वो चली गई। कादियानियों ने, और कादियानियों का जो लीडर था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, 13वीं सदी की इब्तिदा में उसने अपने मसीह मऊद होने का दावा किया। उसने कहा कि हजरत ईसा अलैहि सलाम उठाए नहीं गए, बल्कि वो अपनी तबई मौत मरे हैं और श्रीनगर के एक महल्ला खान यार के अंदर मदफून हैं, और जो कब्र कब्रे यूस आसिफ के नाम से मशहूर है, वो कहता है कि मुझे इल्हाम हुआ है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम यही मदफून हुए। लेकिन एतराज ये होता है वह जालनाहुम न मरियमा कि हमने ईसा को और उनकी मां को दोनों को वहां पनाह दी, तो एक कब्र के बजाय दो कब्र होनी चाहिए। अगर श्रीनगर में आपका इंतकाल हुआ और आपकी कब्र वहां है, तो कम से कम वहां एक कब्र नहीं दो कब्र होनी चाहिए, हजरत मरियम की भी कब्र होनी चाहिए वहां। दलील क्या है? दलील उसका एक इल्हाम है, जिस इल्हाम की कोई हकीकत नहीं। उसके बाद यह कहा गया या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत्तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम, ए रसूलो तुम पाक गिजा खाओ और नेक अमल करो। पता ये चला कि आदमी अगर पाक गिजा नहीं खाता तो उसका अमल सवाले नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल अब्द लयक्ज़िफुल लुक्मत अलहराम फी जौफी मा युतक़ब्बलु मिन्हु अमलु 40 यौमन, कि बंदा एक लुक्मा हराम का अपने पेट के अंदर डालता है तो 40 दिन का अमल उसका कबूल नहीं होता। अब देखिए 40 दिन नहीं बल्कि 40 दिन से कम 30 दिन हम लोग तरावी पढ़ते हैं, पांच वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, दुनिया भर की नवाफिल पढ़ते हैं, इस तरीके से सुन्नतें अदा करते हैं, दुनिया भर की तस्बीहात वगैरह पढ़ते हैं,
अब अगर एक लुकमा हराम का पेट में चला जाए तो 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती, तो ये तो 30 ही दिन है। कितनी खतरनाक बात है। इसी वजह से कहा गया या अय्युहर रुसुलु कुलु मिनत तय्यिबात वअमलु सालिहा, ऐ रसूलो तुम पाक गिज़ा खा जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, उसके बाद नेक अमल करो। इसके बाद नेक अमल उस वक्त होता है जब आदमी हलालो हराम लुकमे को पहचान करके अपने पेट के अंदर डाले। उसके बाद अल्लाह ताला ने बास बादल मौत पर एक बहुत प्यारी दलील फरमाई है कि मरने के बाद आदमी जिंदा किया जाता है कैसे, कहा कि देखो वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ वइलैहि तुहशरून। ये एक दलील है बास बादल मौत की कि किसान बीज को खेत में डालता है, फसल पक जाती है, पकने के बाद किसान उस फसल को काट करके अपने घर लाता है, वहीं नहीं रखता, फसल को काट करके अपने घर लाता है। ऐसे ही अल्लाह ने तुमको जमीन में बो दिया है, वहु अल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़, अल्लाह ने तुमको जमीन में बो दिया है, जैसे किसान अपने खेत में बीज डालता है, ऐसे ही ये दुनिया ऐसी है कि हमने तुमको दुनिया में बो दिया है, जैसे किसान फसल काट करके अपने घर लाता है, ऐसे ही हमने तुमको दुनिया में बो दिया, एक दिन काट करके हम तुमको अपने पास बुलाएंगे। वहु अल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्ज़ वइलैहि तुहशरून, उसने जमीन में तुमको बो दिया है और उसी की तरफ तुम्हें उठाया जाना है। जिस तरह किसान खेती को काट करके अपने घर लाता है, ऐसे ही हमने तुमको बो दिया है जमीन में, एक दिन काट करके हम अपने यहां लाने वाले हैं, हमारी तरफ तुम्हें आना है। ये मत समझो कि जिंदगी खत्म हो जाती है मौत की सरहद पर, मौत की सरहद पर जिंदगी खत्म नहीं होती, असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। इकबाल ने बहुत अच्छा कहा है कि मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी, है ये शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। यहां तो आरजी जिंदगी की शाम होती है और वहीं से अबदी जिंदगी की सुबह होती है, हकीकी और अबदी ना खत्म होने वाली जिंदगी की इब्तिदा वहीं से होती है, वहीं से अबदी जिंदगी का सूरज निकलता है। तो हकीकी जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। तो बास बादल मौत पर एक बहुत अच्छी दलील दी गई और उसके बाद तौहीद के ऊपर एक बहुत प्यारी दलील, बिल्कुल सादा सी। अल्लाह ने फरमाया मत तखदल्लाहु मिन वलदिम वमा काना माहु मिन इलाहिन इदल लतहब कुल्लु इलाहिन बिमा खलका वला अला बादुम अला बाद। अल्लाह की औलाद नहीं है, अल्लाह ने अपना बेटा नहीं बनाया और उसके साथ कोई माबूद भी नहीं है। अगर ऐसा होता वमा काना माहु मिन इलाहिन इदल लतहब कुल्लु इलाहिन बिमा खलका, तो हर माबूद अपनी मखलूक को लेकर के और दूसरा माबूद अपनी मखलूक को लेकर के आपस में टकरा जाते और एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते और कायनात का निजाम धरम भरम हो जाता, और कायनात का निजाम धरम भरम नहीं है। पता ये चला कि इस कायनात का माबूद एक है। बहुत ही सादा और बहुत ही प्यारी दलील है जो एक लाइन की आयत के अंदर वाजे कर दिया गया। उसके बाद यह फरमाया गया हत्ता इदा हज़ारा अहदहुमुल मौत काला रब्बिर जुउन, जब मलकुल मौत आ जाते हैं फरिश्तों के साथ जान निकालने के लिए, तो गुनहगार आदमी क्या बोलता है, अरे रे 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 ये क्या चीज है, जिंदगी में हमने तो इस पर एतिकाद नहीं रखा, सोचा भी नहीं था कि ये मरहला आने वाला, ये कौन लोग हैं जो आए हैं रूह निकालने के लिए। हत्ता इदा हज़ारा अहदहुमुल मौत, जब मौत उनके पास हाजिर हो जाती है, काला रब्बिर जुउन, कहते हैं मेरे रब लौटा दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, काहे के लिए, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरकतु कल्ला, दुनिया में हम नेक अमल नहीं कर पाए, एक दफा लौटा दे, हम नेक अमल करके आएंगे। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, अरे हरगिज नहीं, वो तो एक बात है जो बोल रहा है। यहां आने के बाद दुनिया में किसी को लौटाया नहीं जाता, वमिन वराहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, दुनिया के परे बरज़ख है उठाए जाने तक। इसका मतलब यह है कि आदमी मर गया तो बरजख में रहता है, उसका एक सिरा आखिरत से मिला हुआ होता है और एक सिरा दुनिया से, ये बीच बीच में रहता है। बरजख के माने आड़, आड़, जैसे आपने जिसकी हम तशरीह इंशाल्लाह सूरह रहमान में करेंगे कि बरजख किसको बोलते हैं, एक तरफ गंगा का पानी दूसरी तरफ जमुना का, और दोनों इलाहाबाद संगम में मिलकर के आगे चलते हैं, लेकिन कोई आदमी अगर गौर से देखे तो गंगा का पानी अलग दिखता है, जमुना का पानी अलग दिखता है। अल्लाह तबारक तआला ने बीच में बरज़ख रख रखा है, जैसे कहा मरजल बहरैन यल्तकियान, दो दरिया मिलकर चलते हैं, आगे चल करके मिल जाते हैं, मिलने के बाद तुम दोनों दरियाओं के पानी को मुमताज करके देख सकते हो, मुमय्यज़ करके देख सकते हो, ये इस दरिया का पानी है, ये इस दरिया का पानी है, बीच में एक अनसीन बैरियर है, एक बरज़ख है, एक ना दिखाई देने वाली आड़ है, अनसीन बैरियर है जो रोके रखता है इस पानी को उस पानी में मिलने से, यही बरज़ख है। तो उसका एक सिरा एक नदी के पानी से मिला हुआ होता है और दूसरा सिरा दूसरे नदी के पानी से मिला हुआ होता है, लेकिन बिल्कुल दोनों से अलग होता है, सिरे मिले होते हैं, बीच में इधर भी नहीं जाता इधर भी नहीं जाता। ऐसे ही इस
मकाम पर जो आ गया, इस आलम में जो आ गया, वो जब तक उठाया ना जाए तब तक कूद कर आखिरत में नहीं जा सकता। और जब तक, और दुनिया में तो आने का सवाल ही नहीं होता कि दुनिया वहां से कूद करके दुनिया में आ जाए, जैसे कि हम लोगों का अकीदा है। फरमाया गया हत्ता इदा हदरा हदहुमुल मौत काला रब्बिर्जुउन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरकतु कल्ला इन्हा कलिमतुन हुवा काइलुहा वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमिल बासून। बरज़ख से न तो उठाए जाने तक वहां जा सकता है और ना दुनिया में दोबारा वापस आ सकता है, बीच में रहता है। उसके बाद सूरह नूर शुरू होती है और अजीबोगरीब अंदाज में शुरू हो रही है। किसी सूरत के बारे में ये नहीं कहा गया सूरतुन, इस सूरत का आगाज़ी लफ्ज सूरत से हो रहा है, सूरतुन अनज़लनाहा व फ़रज़नाहा, कहा कि ये सूरत हमने नाज़िल फरमाई है और हमने इसको फर्ज किया। इसका मतलब इस सूरह करीमा के अंदर जितने अहकाम और कवानीन बताए गए हैं, जितने रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जितने उसूल और ज़ाब्ते हैं, सब फर्ज की हैसियत रखते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसको अपने मुआशरे में लाओ। और अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत से लेकर 26वीं आयत तक ये बयान फरमाया है कि अगर मुस्लिम मुआशरे में ये गलतियां हो जाएं, गुनाह का इर्तिकाब हो जाए, तो उसका तदारुक कैसे किया जाए। और फिर 26 से लेकर आगे तक यह बयान किया गया है कि कौन से काम ऐसे किए जाए कि मुआशरे में वो बुराइयां पैदा ही ना हो। पहली आयत से लेकर 26वीं तक क्या बयान किया गया है कि अगर मुआशरे में बुराई पैदा हो जाए तो तदारुक किस तरह किया जाए। और 26वीं आयत के बाद से बयान किया गया कि इन उसूलों को अगर तुम अपने मुआशरे में, अपने घर में बरतो तो गुनाह होगा ही नहीं और लोग गुनाहों में मुलव्वस होंगे ही नहीं। क्या बयान किया गया कि मसलन किसी आदमी से ज़िना हो जाता है, पहले वही बताया गया अज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिय्यत जल्दा। देखो अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, सो जाओ शादीशुदा नहीं है तो उसको रजम नहीं किया जाएगा बल्कि 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर शादीशुदा है मर्द या औरत तो उसको रजम कर दिया जाएगा। तो ये जानी की सजा है और जानिया की सजा है। और उसके बाद एक अजीब बात बताएगी कि जानी जानिया इसे निकाह कर सकता है या मुशरका से, यानी जिना और शिर्क को एक साथ जिक्र किया गया, एक साथ जिक्र किया गया। क्यों भाई जिना और शिर्क को एक साथ क्यों जिक्र किया गया? गौर फरमाइए तो जिना और शिर्क में एक अखलाकी मुमासलत है, एक मोरल रिजम्बलेंस है, एक अखलाकी मुमासलत है। क्या एक दूसरे के मुशाबे कि दोनों अपना हकीकी चौखट छोड़ देते हैं। जी बीवी का हकीकी चौखट कौन? उसका शौहर। अबे दूसरे के पास चली जाए तो उसने अपना हकीकी दर छोड़ दिया, हकीकी आस्था छोड़ दिया। और इबादत के लायक अल्लाह अगर कोई आदमी उसका दर छोड़ करके किसी गैर के दर पे चला जाए तो उसने अपना हकीकी दर छोड़ दिया। दोनों अपना हकीकी चौखट छोड़ देते हैं, इसी वजह से ज़िना को और शिर्क को एक साथ लाया गया। मैंने एक किताब के अंदर एक किस्सा पढ़ा था, वो किताब का नाम है अरबी में आदम में पहले पढ़ाई जाती थी नफ़हतुल यमन फीमा यज़ूलु बिज़िक्रिही शजन। अरबी को क्या समझते हैं आप? बहुत सारे लोग हैं वो उर्दू की कुछ किताबें पढ़ करके मुफ्ती बन जाते हैं बेचारे। अरबी एक ज़बान है, बहुत ही प्यारी ज़बान है। और मैंने तो ये देखा कि वैसे बड़ी हद तक आसान है लेकिन इतनी आसान भी नहीं है, बिल्कुल ग्रामिक, बिल्कुल सिस्टमेटिक ज़बान है। अगर ज़ेर ज़बर में कहीं फ़र्क हो जाए तो माना बदल जाता है। अगर ज़ेर को ज़बर पढ़ दे, देखो मैं पढ़ूँ अगर ज़लाल और पढ़ूँ ज़लाल, सिर्फ जबर इधर उधर कर दूं तो माना गलत हो जाएगा। जलाल माने गुमराही और जलाल माने साए, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट माने हो जाएंगे। सिर्फ जेर जबर से माना बिल्कुल बदल जाता है। और यहां जेर क्यों है, वहां जबर क्या है, क्यों है, इसको जानने के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत है। बाज लोग हैं जो उलमा की तहकीर करते हैं और उलमा की तौहीन करते हैं। कोई चंदे वाला आता है, आलिम है, कौन है ये, ऐसा है वैसा, जबकि उलमा का एहसान है उम्मत के ऊपर, उन्हीं की किताबें पढ़ करके लिखी हुई, तुम तो मदरसे में गए नहीं, उन्हीं की किताबें लिख करके तो तुम्हें इल्म हुआ ना तौहीद का और रिसालत का, उन्हीं की तकरीरों से तुमने जाना कि सही क्या है और गलत क्या है, हिदायत पर।
माँ के पेट से तो तुम लेकर नहीं आए थे ये तो, और मदरसे में गए नहीं पढ़ने के लिए, और मदरसे में भी जाते तो उलमा की लिखी हुई किताबें ही पढ़ते और उलमा ही तुम्हें बताते। फिर उलमा की तहकीक वही शख्स कर सकता है जिसका दिमाग खराब हो, जिसका दिमाग खराब हो और उलमा के तई अपने दिल में कीना और बुग्ज़ और हसद रखता हो, ये वही आदमी कर सकता है। अभी इतना तो आसान है पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये आपने पढ़ लिया। कहीं उर्दू में तर्जुमा देख लीजिए तो तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जो रहमान है रहीम है, जो यौम जजा का मालिक। हो गया, अभी अलहमदो क्यों है, अलहमदे अलहमदा क्यों नहीं है, कोई पूछे तो कैसे बयान करेंगे आप। तो उसके लिए एक कायदा होता है, वो पढ़ना पड़ता है पूरा। जैसे मैं एक पढ़कर बताता हूँ, जैसे अलहमद मुब्तदा लाम जार अल्लाह मजरूर मौसूफ रब मुजाफ अलमीन मुजाफिल है, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर सिफत है अल्लाह मौसूफ की, रहमान सिफत सानी रहीम सिफत सालिस, मालिक मुजाफ यौम मुजाफिल है मुजाफद्दीन मुजाफिल है, मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर मुजाफिल है मालिक मुजाफ का, मालिक मुजाफ अपने मुजाफिले से मिलकर सिफत राबी अल्लाह मौसूफ की, अल्लाह मौसूफ अपनी चारों सिफतों से मिलकर मजरूर अल्लाह हरफ जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक साबित मुकद्दर के, साबित मुकद्दर अपने मुतालिक से मिलकर खबर हुई अलहमद मुब्तदा की, अलहमद मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया हुआ जी, ये मतलब हुआ। इसको 100 लड़कों में से सिर्फ 90 की समझ में नहीं आता, 10 की समझ में आता है। कहां है मुफ्ती लोग भाई, मुफ्ती कहां है सब जी। तो सूरतुन अंजलनाहा वफरदनाहा वअंजलना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तदक्करून, इस सूरत के अंदर जितने भी कवानीन है वो सब फर्ज की हैसियत रखते हैं। जिना का तस्करा पहले किया गया और जिना के साथ शिर्क को जिक्र किया गया कि दोनों अपना हकीकी चौकर छोड़ देते हैं, इस वजह से जानी को और मुशरिक को एक साथ जिक्र किया गया। तो नफातुल यमन फीमा यजूल बिज़िक्र ही शजन, जो अरबी की अदब की किताब, उसमें मैंने एक वाकया पढ़ा बहुत प्यारा, सुना देता हूं मैं, वो किस्सा है वो कि एक पादरी था, वो एक पहाड़ी के ऊपर कुटिया बना करके अल्लाह की इबादत में मशगूल था और उसके पास रोज एक रोटी आती थी, खाता था अल्लाह अल्लाह करता था, फ्री में खाता था। तो अल्लाह ताला ने उसको आजमाया, पहले अल्लाह ताला पहले नेमतें देता है उसके बाद आजमाता है, किस लिए आजमाता है, फलयालमन्नल्लाहुल्लदीन सदकू वलयालमन्नल काज़िबीन, आजमाइश इसलिए होती ताकि ये मालूम हो कि अल्लाह तबारक व ताला ये जाने, हालांकि वो जानता है पहले से कि कौन अपने दावे ईमान में सच्चा है कौन झूठा है, ये जाने। एक दिन रोटी नहीं आई, बड़ा परेशान हुआ, जहां रोटी रखी रहती वहां रोटी है नहीं, बड़ा परेशान, चलो शाम में आ जाइए, शाम में भी गया तो रोटी नहीं दी, दिन भर का भूखा, रात गुजर गई रात का भूखा, सोचा कल आ जाएगी उसी टाइम पे, देखा दूसरे दिन भी वो रोटी नहीं आई, शाम हो गई शाम को भी रोटी नहीं आई, तीसरे दिन भूख से बेकरार होकर पहाड़ी से उतर आया और पहाड़ी के दामन में जो गांव था एक दरवाजे पर जाकर के उसने नोक किया, साहब खाना निकला, अरे हजरत आप हुक्म देते हम खुद आ जाते, किस वजह से तशरीफ लाए, कहा कि इतना भूखा हूं ये तीसरा दिन है, अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहे हैं भाई, कुछ खाने को दे। उसने तीन रोटियां हजरत के हवाले की, ये पादरी तीन रोटियां लेकर चला साहिब खाना के दरवाजे पर, जो कुत्ता बैठा हुआ था इसके पीछे लग गया, जैसे ये बस्ती के बाहर निकला घूं घूं करता हुआ इसके ऊपर झपटा, करीब तक ही काट ले, घबरा करके उसने एक रोटी डाल दी, कुत्ता रोटी खाने में मशगूल हो गया, ये लॉन्ग स्ट्राइड्स के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ वो पहाड़ी की तरफ भागा, कुत्ता एक रोटी खा करके फिर दौड़ा और इसके करीब पहुंचकर भौंवो करता हुआ इसके ऊपर झपटा, करीब तक ही काट ले, घबरा कर इसने दूसरी रोटी भी डाल दी और भाग करके ये पहाड़ी के करीब पहुंच गया, चढ़ने लगा, कुत्ता दूसरी रोटी खाकर फिर इसके ऊपर झपटा, घबरा करके इस पादरी ने तीसरी रोटी भी डाल दी, कुत्ता रोटी खाकर कहा कि तीनों रोटियां जो तेरे मालिक ने दी थी वो तो खा गया, अब क्या मेरी जान लेगा, या अदीमल हयाई ए बेहया ए बेहया, मैं तीन दिन का भूखा, तेरे मालिक ने मुझे तीन रोटियां दी और तीनों तू खा गया, अब फिर भूख रहा है क्या मेरी जान लेगा, ए बेहया या आदिमल है। अल्लाह ने कुत्ते को जबान दी, कहा कि बेहया मैं नहीं, बेहया तू है, मैं अपने मालिक के दरवाजे पर कई कई दिन भूखा प्यासा पड़ा रहता हूं लेकिन अपने मालिक का दर छोड़कर कहीं नहीं जाता, तीन दिन रोटी नहीं आई, दो दिन रोटी नहीं आई, तूने अपने हकीकी माबूद का दर छोड़ दिया, बेहया मैं नहीं बेहया तू है। इसका मतलब यह हुआ जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला का माबूद हकीकी का दर छोड़ता है तो उससे ज्यादा बेहया कोई नहीं होता। इसका मतलब यह कि मुवहिद जो होता है सबसे ज्यादा बाहया और मुशरिक सबसे ज्यादा बेहया होता है। इसी वजह से ज़िना और शिर्क को एक साथ जिक्र किया गया। उसके बाद यह कहा गया जो सीधी सादी मोमिना लड़कियों के ऊपर औरतों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं बदकारी का,
उन्हें 80 कोड़े मारे जाएं, 80 कोड़े। इसका मतलब यह हुआ कि कज़्फ की जो सजा है वो 80 कोड़े। और उसके बाद कभी ऐसा होता है कोई आदमी अपनी बीवी को किसी के साथ मुलव्वस पाले, आगे वही मसला बयान किया गया, उसको कहते हैं लियान। अब उसके पास कोई गवाह नहीं है, चार गवाह चाहिए। अब गवाह नहीं है तो अब क्या करेगा, अब उस बीवी को रखना नहीं चाह रहा। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कानून बताया कि लोग बैठे हैं, उसके बाद ये आदमी चार मरतबा कहे के वो अपने इस इल्जाम में सच्चा है और अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा है, और औरत बोलेगी के चार मरतबा कि ये झूठा है, और उसके बाद पांचवीं मरतबा बोलेगी अल्लाह का गजब हो मेरे ऊपर अगर ये सच्चा है, इसको कहते हैं लियान। उसके बाद फस कर दिया जाएगा निकाह को, और अगर वो कसम ना खाए तो उसको रजम कर दिया जाएगा। उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था आपकी बरात के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग तरतीब 10 आयतें उतारी, और 10 आयतों के अंदर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीका कायनात को परी किया कि इनसे कोई गलती नहीं हुई है, ये सब मुनाफिकों का फैलाया हुआ प्रोपेगंडा है। और इस्मत कैसी, पाक दामनी कैसी कि कुरान जिसकी पाक दामनी की गवाही देता हो। और एक आयत नहीं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की इफ्फत और पाक दामनी के ऊपर कुरान हकीम की सूरह करीमा की 10 आयतें शाहिद है। और यह कह दिया गया कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी के लिए सारे मोमिन कयामत तक इन 10 आयतों की तलावत करते रहे। अल्लाह, ये मकाम है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। उसके बाद ये फरमाया गया जो लोग मोमिनों के मुआशरे में फाहिशा फैलाते हैं, फाहिशा के दायरे में सारी चीजें आ गई, क्या मुखर्रिब अखलाक लिटरेचर, उरिया तस्वीरों वाले मैगजीन, जिंसी जज्बात को भड़काने वाली फिल्में, इसी तरीके से रक्स गाहें, डांस की जगहें, और वो तकरीबात जहां पर मर्द और औरतें बेमहाबा मिलते हैं, कोई पर्दा नहीं होता, कल्चरल शोज, वैरायटी शोज, ये जितने किस्म के शोज होते हैं ये सारे के सारे फाहिशा के दायरे में आ जाते हैं। तो जो लोग मोमिनों के मुआशरे में फाहिशा फैलाते हैं, फिल्में बनाने वाले, उसमें काम करने वाले हीरो हीरोइन, उनके अंदर जो किरदार अदा करने वाले होते हैं, वो सब रिलीज करने वाले, इजाजत देने वाले, सबके बारे में ये वार्निंग दी गई, सबको ये वार्निंग दी गई। जो लोग मुआशरे के अंदर खासतौर से मोमिनों के फाहिशा फैलाते हैं उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अदाब है और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अदाब ही है। ये फाहिशा फैलाने की सजा बताई गई है इस सूरह करीमा की इस आयत के अंदर। उसके बाद बताया गया कि लड़के के लिए अगर लड़की ढूंढनी है तो तैयब लड़का हो तो तैयबा लड़की, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अच्छी लड़की किसी बुरे लड़के की निगाह में दे दी है। अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात व तय्यिबात लिल तय्यिबीन व तय्यिबून लिल तय्यिबात, खबीस खबीस के लिए, खबीसा लड़की खबीस लड़के के लिए, तय्यिब लड़का तय्यिब लड़की के लिए, ये जोड़ा है। अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात व तय्यिबून लिल तय्यिब व तय्यिबात लिल तय्यिबीन व तय्यिबून लिल तय्यिबात, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून। उसके बाद ये कहा गया कि कौन से ऐसे काम किए जाएं कि अगर वो हूं तो मुआशरे में बुराई पैदा ही ना हो। सबसे पहले ही बताया गया कि जब तुम किसी के घर जाओ तो डायरेक्ट घर में दाखिल ना हो जाओ। अरबों का तरीका यह था कि जब अपने किसी रिश्तेदार के यहां जाते या किसी दोस्त के यहां जाते तो सुबह गए तो सबाहल खैर कहते हुए धड़ाधड़ घर में घुस जाते, और शाम को जाते तो मसाल खैर कहते हुए यानी गुड इवनिंग शाम में धड़धड़ाते हुए घर में घुस जाते। इससे प्राइवेसी मुतासर होती थी साहिब खाना की, अरे भाई बहन है, बेटी है, औरत है, आदमी है, पता नहीं किस हालत में, और आप बिला इजाजत घर में घुस जा रहे, प्राइवेसी मुतासिर होती थी, लिहाजा हुक्म दिया गया इससे बेहयाई फैल सकती है। तो या अय्युहल लदीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, जब किसी के घर पहुंचो तो पहले सलाम करो, पहले सलाम पर अगर जवाब न मिले दूसरा सलाम करो, दूसरे सलाम पर जवाब न मिले तीसरा सलाम, तीसरे सलाम पर जवाब न मिले वापस आ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया अबू दाऊद शरीफ में बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद इब्न उबादा के आ गए मिलने के लिए, आपने उनके दरवाजे पर पास और एकदम ऐन दरवाजे पर भी ना खड़ा हुआ आदमी, भाई लड़की दरवाजा खोल दे आपकी निगाह उसके ऊपर पड़ जाए, लिहाजा आप दरवाजे के एक तरफ खड़े होइए और खिड़की खुली हुई हो तो झांकना ना शुरू कर दे, मतलब होते हैं खिड़की करीब खड़े हो जाते हैं और उसके बाद दरवाजा नोक करने के बाद खिड़की पर आंख लगा देते, अरे भाई फिर नोक करने की क्या जरूरत है जब खिड़की से आपने सब कुछ देख ही लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा आदमी जो खिड़की में से देखे उसकी आंख फोड़ दो, उसकी आंख फोड़ दो उसकी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए सलाम वालेकुम, जवाब नहीं आया,
السلام علیکم جواب نہیں آیا السلام علیکم جواب نہیں آیا آپ جب چلنے لگے بھڑاک سے دروازہ کھولا حضرت سعد بن عبادہ نے اور آپ سے لپٹ گئے کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں چلے کہا کہ میں السلام علیکم کہہ رہا تھا تو جواب نہیں دے رہا تھا کہا کہ اللہ کے رسول دھیرے دھیرے جواب دے رہا تھا آپ دعا کر رہے تھے نا میرے لیے السلام علیکم سلامتی ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو تمہارے اوپر بعض لوگ پوچھتے ہیں نا سلام السلام علیکم کیا کیا مطلب ہوتا ہے صحابی نے اس کا مطلب بتایا کیا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کر رہے تھے نا میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے سلامتی کے لیے بہت ساری دعائیں نکل جاتی یہ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم جب قبرستان جاتے ہو کہتے ہیں السلام علیکم تو مردے سنتے ہیں مردے سنتے تو مانگو ان سے یہ دیکھیے یہ مطلب یا صحابی نے کیا مطلب سمجھا صحابی نے مطلب یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو تمہارے اوپر سلامتی ہو کہا کہ تم نے جواب نہیں دیا کہا دھیرے دھیرے میں جواب دے رہا تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے سلامتی کے بہت سارے کلمات نکلتے بہت ساری آپ دعائیں کرتے میں اس وجہ سے دھیرے دھیرے جواب دے رہا تھا اللہ کے رسول اندر تشریف لے چلیے تو پہلے سلام کیجیے سلام کرنے کے بعد اگر اندر سے آواز آئے کون تو میں کیا نام بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب داخل ہوتے دروازہ کھٹکھٹاتے السلام علیکم کون ایدخل عمر کیا عمر اندر آ سکتا ہے ایک بدوی آ گیا بدو جانتے ہیں آپ بدو کیسے ہوتے ہیں بدوؤں کے قصے ہمارے واجو بھائی وہ سناتے ہیں بدو کیسے ہوتے ہیں تو ایک بدو آیا اس کے بعد نہ سلام کیا نہ کچھ کیا کہا کہ آلی جو کیا میں اندر گھس جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے استیذان کے آداب سکھاؤ اسے کچھ معلوم نہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ آلی جو کیا گھس جاؤں والا جی میں گھس جاؤں آلی جو کیا اندر گھس جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدو ہے اس کو ذرا طریقہ سکھائیے کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے تو پہلے آپ سلام کیجیے اور اس کے بعد آپ اپنا نام بتائیے میں نہیں میں ہوں میں کون آپ اپنا نام بتائیے یہاں تک کہ حضرت صدیق بھی آتے حضرت عمر آتے تو اپنا نام بتاتے آیت خلو عمر السلام علیکم یا رسول اللہ آیت خلو عمر کیا عمر اندر داخل ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے حضرت عمر اندر داخل تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا جب تک سلام نہ کر لو اس کے گھر میں داخل نہ ہو اس سے پرائیویسی مطلب بے حیائی پھیلنے کا اندیشہ ہے اور ہاں جس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو جیسے بلڈنگ خالی پڑی تو آپ وہاں جا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں بلڈنگ ہے پیچھے خالی پڑی ہے اب کوئی نہیں رہتا تو بتایا گیا کہ اگر بلڈنگ کے اندر کوئی نہ رہتا ہو تو بغیر اجازت کے اندر جا سکتے ہیں یہ بھی مسئلہ بیان کر دیا گیا غیر مسکونہ جس کے اندر کوئی سکونت نہ رکھتا ہو غیر مسکونت ہی شرط لگائیے کوئی اس کے اندر رہتا ہے اس کے بعد معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے ایک اور اصول کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم مومنوں کو کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول اے ہمارے رسول کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اب ایک صاحب کہنے لگے نیچے دیکھو تو جان کا خطرہ اور اوپر دیکھو تو ایمان کا خطرہ کیا کیا جائے ارے بھائی ایسے منڈی جھکا کر کے چل رہا ہے جسے موٹر سائیکل والے نے ٹھونک دیا بےچارا سڑک کے اوپر چل رہا تھا پہنچ گیا ہاسپٹل تو کہہ رہا ہے کہ نیچے دیکھو تو جان کا خطرہ اور اوپر دیکھو تو ایمان کا خطرہ در حقیقت وہ آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکا آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں اتفاق سے کسی عورت کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ گئی اب آپ نگاہ کو ریپیٹ مت کیجیے بس اور یہ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہا لا یا علی جو لا تتبع نظرۃ النظرۃ فإن لک الاولى ولیست لک الاخرۃ میرے داماد اگر کسی عورت کے اوپر تیری نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کو مت دیکھنا اس لیے کہ پہلی نگاہ تو تیری ہے دوسری تیری نہیں ہے تو آدمی چل رہا ہے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چل رہا ہے اچانک کسی عورت کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو نگاہ دوسری مرتبہ اس کو نہ دیکھے یہ مطلب ہے اس کا مطلب تھوڑی ہے منڈی جھکا کر چلتے رہو ادھر ادھر دیکھنے کا نہیں تو جان کا خطرہ تو ہے اور اگر بار بار دیکھو گے تو ایمان کا خطرہ ہے بالکل صحیح ہے جی اور اس کے بعد مومنہ عورتوں سے بھی کہا گیا کہ صرف یہ مومنوں کے لیے حکم نہیں تمہارے لیے بھی ہے وہ کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن مومنات سے کہہ دیجیے مومنہ عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے کہیں بھی جائیں بازار میں ضرورت کے تحت جائیں تو ادھر ادھر مت دیکھا کریں نگاہ پڑ جائے اس کے بعد نگاہ ہٹا لیں اس کے بعد کن کن لوگوں سے پردہ ہے کن کن لوگوں سے پردہ نہیں وہ بتایا گیا محرمات کون ہیں محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے جیسے باپ بیٹا بھانجا وغیرہ وغیرہ سے بتایا ایک ہے ستر ایک ہے حجاب ستر جو ہے ستر یہ محرم کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے آپ لڑکی اپنا ستر باپ کے سامنے ماں کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی یہ ستر ہے اور حجاب جو غیر محرموں کے سامنے جو چیز نہ کھولی جائے وہ حجاب ہے حجاب کس کو بولتے ہیں غیر محرموں کے سامنے جو نہ کھولے وہ حجاب
और सत्र यह है कि महरम के सामने भी ना खोले, वो सत्र है। लोग सत्र और हिजाब को गड़बड़ कर देते हैं। और यह कहा गया औरतों को अल्लाह ने कितना तकद्दस बरता है, कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को कैदी बना करके रखा गया है। कैदी नहीं, दर हकीकत कैदी नहीं, उनकी कीमत बताई गई है कि इनकी कीमत क्या है, इनकी कीमत क्या है। अल्लाह ताला ने उनको ही नहीं बल्कि उनके पाजेब की झनकार को अल्लाह ताला ने तकद्दस अता फरमाया। फरमाया वला यज़रिबन बिअर्जुलिहिन्न लियुलिमा मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्न, ये अपने पैर को जमीन पर मार कर न चले कि उनके पाजेब की झनकार दूसरों के कानों में पड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पाजेब की आवाज को तकद्दस अता फरमाया। यह है औरतों का मकाम। बताइए पाव भर गोश्त, एक किलो गोश्त आप लेकर चलते हैं तो छुपा कर लेकर चलते हैं, कहीं कोई कौवा कहीं कोई चील न झपट ले, और औरत को ऐसे बेनकाब, यानी ये पाव भर गोश्त भी कहीं गुजरी, यानी गोश्त अगर लेकर चलते तो छुपा कर लेकर चलते हैं और औरत को खुले हम छोड़ देते हैं बेपर्दा, गोश्त को पर्दे में और औरत को बेपर्दगी के साथ। गोया औरत की कीमत एक किलो गोश्त भी नहीं है। अरबों के हाथ देखिए, खुदा की कसम अगर सही कदर कीमत जाननी है औरतों की तो अरबों के हाथ देख लीजिए कि किस तरीके से रखते हैं। डायमंड सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती समझते हैं, इस तरह रखते हैं। उनकी कीमत हीरे से भी ज्यादा है, उनकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। कहते हैं इस्लाम में औरतों की कोई कदर कीमत नहीं, जिनके पाजेब की झनकार को अल्लाह ने तकद्दस अता फरमाया हो यह मकाम कोई और मजहब कैसे दे सकता है किसी औरत को। उसके बाद ये कहा कि जितने भी हैं शादी जिनकी नहीं हुई इनकी शादी करा दो। लड़के बाली हुए, ये कितने बैठे हुए हैं, पढ़ते रहते हैं, ये 32 साल तक 35 साल तक शादी होती नहीं। अरे भाई बुलूगत की दहलीज में कदम रख दिया, अब बाप इस चक्कर में है कि बेटा जब तक किसी पोस्ट पर नहीं पहुंच जाता तब तक शादी नहीं करनी, और बेटे का पैर फिसल गया कहीं तो बुलूगत की हद में अगर बेटे ने कदम रख दिया, बेटी ने रख दिया, तो अब उसके लिए लड़का ढूंढो, उसके लिए लड़की ढूंढो। खुश हो रहे नहीं, ये आप लोगों के माँ बाप के लिए जल्दी से लड़की ढूंढो और लड़कियों के लिए लड़के ढूंढो ताकि माहौल के अंदर खराबी ना पैदा हो। वान तहुल अयामा मिनकुम, जिनकी शादी नहीं उनके निकाह करो। यह आयत करीमा का तर्जुमा है, वान तहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, जो जवानी की दहलीज पर पहुंच गए हैं लड़के हैं उनकी शादी करो, लड़की ढूंढो, और लड़की जवानी की दहलीज पर पहुंच गई उसके लिए लड़का ढूंढो। पढ़ाई चलती रहे, पढ़ाई से उस पर क्या असर पड़ता है। हमने अपने दो बेटों की शादियां कर दी, पढ़ रहे हैं दोनों, पढ़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। बच्चियां घर पे हैं, पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं बच्चे कोई खता कर बैठे तो एक तो रुसवाई है और दूसरे वो गुनाह जो उसने किया है आपके सर आ जाएगा। और उसके बाद ये कहा गया इंसदाद कहबा करी कि किसी शहर के अंदर फाहिशा औरतों के या इसी तरीके से उनके चकले नहीं होने चाहिए कि लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात को वहां पूरा करें जाकर के। अगर इस तरीके का कोई एरिया हो एरिया को खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल पुलिस का सहारा लेकर के पुलिस को बताया जाए कि इस तरीके से यहां गलत काम हो रहा है, फौरन उसको खत्म किया जाए। इनसे दादे कहबा करी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन बूढ़ी औरतों को इस्तिस्ना किया है जो शादी के लायक नहीं है, वो बेपर्दे की भी इधर उधर बैठ सकती हैं, जा सकती हैं, कहीं उनको गोशे पर्दे की जरूरत नहीं। वल कवायद मिन النساء اللاتي لا يرجون نکاح। उसके बाद एक और उसूल बताया गया कि सलास औरत लहू, तीन मकामात और तीन अवकात ऐसे हैं दिन और रात में के बगैर इजाजत के बच्चों को भी नहीं जाना चाहिए। एक तो दोपहर के वक्त जिस वक्त आप तैमूला करने के लिए कपड़े उतारते हैं, सुबह के वक्त मिन कबले सलातिल ईशा व मिन कबले सलातिल फज्र, फज्र से पहले, ये तीन अवकात के अंदर बाकायदा बच्चों को भी कहा गया कि दरवाज़ा नोक करके अंदर जाएं, डायरेक्ट ना जाएं, इसलिए बेहयाई फैलने का अंदेशा है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कानून और भी बताया, बाज लोग ऐसे थे कि दूसरों के साथ एक जगह बैठ कर खाना मायूस समझते थे, जैसे आज गैर मुस्लिमों के यहाँ है, उनकी थाली अलग, उनका लोटा अलग, उनका गिलास अलग, एक साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते। तो उस दौर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि तनहा खाना खाते ही नहीं थे, फाका कर लेते थे, जब तक कुछ साथ में नहीं खाता था खाना नहीं खाते थे, इतने सख्त थे। और बाद लोग अपने दोस्तों के यहाँ जाते थे तो खाना नहीं खाते थे, बताया गया दोस्तों के यहाँ जाओ फ्री हो, बाकायदा पर्दे के साथ हैं, ये नहीं कि उसकी बीवी को देखते फिरो, और जाइए तो वहां फ्रीज वगैरह के अंदर कुछ रखा हुआ हो, फ्रीज खोल करके आप बाकायदा जो चीज खा सकते हो, इसकी इजाजत है, दोस्त है ना तुम्हारा, सदीक है तुम।
हाँ सिर्फ उसकी बीवी को भी निगाह मत डालना जी, बकिया खाने पीने की चीजें हैं आप निकाल कर खा सकते हैं। बताया गया आपस में मिलकर के खा सकते हो जमीयन, अलग अलग भी खा सकते हो, और अष्टाता दोस्तों के यहां जाओ तो हिचकिचाओ नहीं, जो पेश करे खा लो, अल्लाह तबारक तआला ने यह कानून दिया। उसके बाद यह बताया गया कि घर में जब दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो, बाज लोग बीवी सामने आ जाती है तो उसको सलाम करते हुए शर्माते हैं। अब बीवी को बोलते सलाम अलैकुम, बाज लोग शर्माते हैं ना सलाम अलैकुम कहते हुए, तो शर्म की कौन सी बात, फसल्लिमु अला अहलिया, तो जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर लो, बीवी सामने आ जाए उसको सलाम अलैकुम करो, बालो शर्माते हैं काहे को सलाम करना, सलाम अलैकुम बीवी को सलाम अलैकुम नहीं सलाम अलैकुम सलाम करो, क्यों मुबारक सलाम करना, सलाम का जवाब देना ये बरकत का सबब है, बरकत होती है इससे घर में। अब तो मुस्लिम मुआशरा न जाने कौन से रूट के ऊपर चल पड़ा है, कुरान हकीम की तिलावत होनी चाहिए सुबह सुबह हमारे घरों से, कुरान हकीम की तिलावत की आवाजें आनी चाहिए, रात में कुरान पढ़ने की आवाज आनी चाहिए, रात में बेटी माँ बेटे तहज्जुद पढ़े, एक प्यारा माहौल हो घर का। लेकिन अब तो ये तमाम चीजें हट गई, इनकी जगहों पर न जाने कौन कौन सी चीजें आ गई, अल्लाह खैर करे। उसके बाद ये बताया गया कि यहां पाबंदी लगा दी गई है जो लोग इस्लाम लाए हैं उनके लिए कि यहां जो हम कहें वो कर लो, जन्नत में आओ जो तुम कहोगे वो हम कर लेंगे, लहुम फी हम आयशा हूं, जैसा तुम कर रहे हो यहां हम जो कहें वो तुम कर लो, अल्लाह फरमाता है यहां हम जो कहें वो कर लो, तो हमारे यहां आओ जन्नत में, लहुम फी हम आयशा हूं, जो तुम कहोगे वो हम कर देंगे। ये रहा 18वें पारे का खुलासा, अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए, वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत ग्रामी अभी आपने क़यामुल लैल में कुरान हकीम का 19वां पारा समाप्त किया, पारे की इब्तिदा में ये बात कही गई कि ये काफिर जिन लोगों ने अपने दिल में अपने आप को बड़ा समझ रखा है, ये चाहते हैं कि हकीकत को बसारत से नहीं बल्कि बसीरत से नहीं बल्कि बसारत से देखें, जबकि इंसान का सारा इम्तिहान और उसकी सारी आजमाइश यह है कि वो हकीकत को बसीरत की आंखों से देखकर कबूल करे, बसारत से देखने का मुतालबा न करे, क्योंकि इस सूरत में आजमाइश और इम्तिहान का मकसद फौत हो जाता है। यहां मुतकब्बिरीन कुफार का कौल नकल किया जा रहा है कि وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا, कहते हैं कि मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारे ऊपर फरिश्ता आता है, तो भाई इनमें कौन सा सुरखाब कपर लगा हुआ है, हमारे ऊपर फरिश्ते क्यों नहीं आते, या हम अपने रब को बेहिजाब और अयानन क्यों नहीं देख लेते, सिर्फ मोहम्मद ही के ऊपर फरिश्ते क्यों उतरते, हमारे ऊपर फरिश्ते क्यों नहीं उतरते, और हम अपने रब को अपनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान फरमाया कि उनका यह कौल दर हकीकत उनके इस्तिकबार का, उनके गुरूर का, उनके घमंड का नतीजा है। और जहां तक फरिश्तों के देखने की बात है
तो फरिश्ते आएंगे एक दिन, लेकिन जब आएंगे तो उस दिन उनको देख करके ये कहेंगे हिजरम महजूरा, हिजरम महजूरा। असल में हिजर का मतलब होता है रोकना। इसी वजह से अक्ल को भी हिजर कहते हैं कि ये इंसान को बहुत सारी चीजों से रोकती है। इसी तरीके से खाने काबा का वो एरिया हिजर कहलाता है जो हलाल कमाई ना होने की वजह से मुशरिकीन ने शिमाल की जानिब 6 हाथ छोड़ दिया था, तो उसके अंदर से आना रोक दिया गया। अगर तवाफ करना है तो उसके बाहर से आकर तवाफ कीजिए। और जमाने जाहिलियत में अरब जब किसी बला को, किसी मुसीबत को, किसी जानवर को या किसी खौफनाक चीज को देखता कि वो उसके ऊपर हमला करना चाहती है तो ये बोलता था हिजरम महजूरा, अरे दूर दूर, अरे करीब मत आओ। वही बात यहां कही गई, وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا। उस दिन उनके लिए ये खुशखबरी नहीं होगी। जान निकालने के लिए जब फरिश्ते आएंगे तो उस वक्त ये उन फरिश्तों का मुशाहदा करेंगे, फरिश्तों को देखेंगे, लेकिन वो दिन उनके लिए कोई अच्छा दिन नहीं होगा। फरिश्तों को देख करके ही कहेंगे हिजरम महजूरा, हिजरम महजूरा, अरे ये बला कहां से आ गई, दूर दूर। तो अभी ये गुरूर की वजह से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फरिश्ते क्यों नहीं उतरते, फरिश्ते आने वाले हैं इनके पास, लेकिन जब आएंगे तो फिर इन मुजरिमों की हैकड़ी हवा हो जाएगी जब जान निकालने के लिए फरिश्ते आएंगे। उसके बाद एक बात कही गई कि बहुत सारे लोग आखिरत बेजार होते हैं, नास्तिक होते हैं। वो ये कहते हैं खुदा कोई चीज नहीं है, ये कायनात ऐसे वजूद में आ गई है और ऐसे चल रही है और हमेशा चलती रहेगी, जमाने कभी खत्म नहीं होंगे, लोग पैदा होते रहेंगे मरते रहेंगे। ऐसे आखिरत बेजार लोग अपनी कौम के लिए कुछ कारनामे अंजाम देते हैं जिन पर कौम फख्र करती है, और जिन कारनामों को अंजाम देने की वजह से वो लोग कौम के हीरो बन जाते हैं। कुरान हकीम कहता है कि कयामत के दिन ये कारनामा जो इन लोगों ने अंजाम दिया है जिसकी वजह से ये लोग कौम के हीरो बन गए थे, हम उनके इस कारनामे को हबा मंसूरा कर देंगे। وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا। हबा जानते हैं किसको बोलते हैं? आपके दरवाजे के रास्ते या आपके रोशनदान के रास्ते से या आपकी खिड़की के रास्ते से सूरज की किरण आपके कमरे में दाखिल हो तो सूरज की किरणों में जो छोटे छोटे जर्रात ऐसे मचलते दिखाई देते हैं उनको हबा कहा जाता है, जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है कि उस दिन उनके इन कारनामों को हम हबा अम मंसूरा बना देंगे, यानी उसकी कोई भी अहमियत नहीं होगी जिन कारनामों की वजह से वो कौम के हीरो बन गए थे इस हाल में कि वो आखरत बेजार थे। तो असली हीरो वो है जो कयामत के अंदर, कयामत के मैदान में कामयाब, इसलिए कि यहां की जीत आरजी, यहां की हार आरजी। एक मरतबा आदमी हारता है तो बाद में जीतता भी है, एक मरतबा जीतता है तो बाद में हारता भी है, लेकिन
قیامت کا میدان ایک ایسا میدان ہے جہاں جو ایک بار جیت گیا سو ہمیشہ کے لیے جیت گیا اور جو ایک بار ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا وہاں سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں لہذا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور میدان محشر کا نقشہ کھینچا گیا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور بدلیوں کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے جلو میں میدان محشر میں نزول جلال فرمائے گا اور اس وقت بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی الملک یومئذ الحق للرحمن اللہ آواز دے گا آج کس کی بادشاہت ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی کہ کوئی کھڑا ہو کر کو بولے آج میری بادشاہت ہے صرف ایک ہی آواز آئے گی آج میری بادشاہت جبار کہاں ہے قہار کہاں ہے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا وہ کہاں ہیں این الجبارون وین المتکبرون متکبرین کہاں ہیں سرکش کہاں ہیں جبار کہاں ہیں قہار کہاں ہیں پورے میدان محشر میں سوائے ہلکی آوازوں کے جس کو ہمس کہتے ہیں کوئی اور چیز سنائی نہیں دی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میدان محشر کا عالم ایسا ہوگا کہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے اور گرمی اتنی شدید ہوگی کہ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لیکن اہل ایمان کے لیے قیامت کا میدان بس اتنا ہوگا جتنی دیر میں آدمی دوپہر کے اندر قیلولہ کر لیتا ہے اور مسند احمد کی روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کا ہولناک دن اہل ایمان کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنا کہ ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا گیا مقیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی قیلولہ کرنے کے وقت تک کا احساس ہوگا اس کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلہ قیلولہ کرنے کی مقدار ان کو میدان محشر کا عالم لگے گا اور اس کے بعد وہ خیر مستقر سب سے بہترین جگہ جہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے وہ خیر مستقر جنت ہے وہاں وہ پہنچا دیے جائیں گے جہاں وہ اپنے محلوں کے اندر اپنے کمروں کے اندر محو استراحت ہو جائیں گے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا میدان محشر میں ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوتا اور کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس دوست نے میری آخرت تباہ و برباد کر دی تو کاش کہ میں رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوتا کاش میں نے اس آدمی کو فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس دوست کی صحبت میں رہ کر کے میری آخرت برباد ہو گئی اس میں ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ آدمی صحبت اختیار کرے تو اچھے آدمی کی صحبت اختیار کرے اس کا ہم نشین بہترین ہم نشین ہو اور اس کی محفلوں کے ساتھی اچھے ساتھی ہونے چاہیے نیک ساتھی ہونے چاہیے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اوپر دعویٰ کریں گے جن لوگوں نے قرآن حکیم کو محجور کر دیا تھا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اللہ کی عدالت میں رسول دعویٰ کریں گے کس کے اوپر ان امتیوں کے اوپر دعویٰ کریں گے جنہوں نے قرآن کو محجور بنا دیا تھا بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس دن رسول یہ کہیں گے اے میرے رب
इन लोगों ने, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। ये तर्जुमा सही नहीं है, छोड़ नहीं दिया था, इन्होंने कुरान को महजूर बना दिया था। एक है छोड़ देना, किसी चीज को आप छोड़ दीजिए तो उससे हल्का सा ताल्लुक रहता है, कभी कभी आप उससे मिल लेते हैं। किसी चीज को आप छोड़ दें तो ताल्लुक एकदम खत्म नहीं होता, बल्कि कभी कभी राबता हो जाता है। लेकिन किसी चीज को आप महजूर बना दें, इसका मतलब यह हुआ कि अब उससे ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो गया। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों के लाइनों के किनारे कुछ घर बने होते थे, बाद में उनकी खिड़कियां तोड़ दी गई, दरवाजे निकाल दिए गए, टूटी फूटी छत रह गई है, कुछ कमरे दिखाई देते हैं, उस पर लिखा रहता है अबैंडंड, अबैंडंड, महजूर है ये। यानी जो काम पहले होता था इस मकान के अंदर, अब वो काम नहीं होता और ना होगा। अबैंडंड, अबैंडंड का एन तर्जमा महजूर, इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ने के बाद ताल्लुक रहता है, लेकिन महजूर बना देने के बाद ताल्लुक रहता ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के ऊपर, अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को ऊपर दावा करेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को महजूर बना दिया था, छोड़ देते तो कम से कम थोड़ा ताल्लुक बाकी रहता, इन्होंने उसको अबैंडंड कर दिया था कि अब इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। अब बताइए कुरान के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा करें और अल्लाह की बारगाह में उस वक्त वो लोग जिन लोगों ने कुरान को महजूर बनाया होगा उनका क्या हाल होगा। अच्छा, कुरान को महजूर बना देना, अबैंडन कर देने का मतलब क्या होता है? कुरान के ऊपर ईमान ही नहीं लाया, अबैंडन छोड़ दिया, नबी का उम्मती है मगर कुरान के ऊपर ईमान ही नहीं लाया, तू गैर मुस्लिम, वो उम्मती है वो, ये और बात है कि वो उम्मत दावत है, जिन लोगों ने कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत है, लेकिन उम्मती तो है। तो कुरान पर ईमान ही नहीं लाया, और एक उम्मती है कुरान पर ईमान लाया मगर उसके ऊपर उसने अमल नहीं किया, उसके ऊपर उसने गौर तदब्बुर नहीं किया, यह भी उसको महजूर बना देना हुआ। और एक नुक्ता और कि कुरान को उसने माना, कुरान पर ईमान लाया, लेकिन कुरान के ऊपर किसी और किताब को तरजीह दे दी, कुरान को पढ़ना और समझना छोड़ दिया, दूसरी किताब को पढ़ने लगा, ये दरहकीकत कुरान को महजूर बना देना है। आज कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान हकीम को महजूर बना दिया है, कुरान हकीम को ताकनिसिया पर रख दिया है और उसकी जगह पर दूसरी किताबें पढ़ने लगे हैं। ये है कुरान हकीम को महजूर बना देने का एक मफहूम। وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, कि मेरी कौम ने कुरान हकीम को महजूर बना दिया, तो तर्जुमा क्या करेंगे? मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, छोड़ देने से ताल्लुक थोड़ा बाकी रहता है, लेकिन अबैंडन कर देने से ताल्लुक बाकी ही नहीं रहता। वो मकान जिसके अंदर कुछ काम होते थे, अब उसके अंदर वो काम होगा ही नहीं, और ना होता है ना आइंदा होगा, एकदम उसे छोड़ दिया गया कुरान हकीम के साथ, इस तरीके का मामला किया गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कुरान हकीम को महजूर बना दिया। अपनी आंखों से आप मुशाहदा कर सकते हैं। उसके बाद कुफारे मक्का के एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि कुरान हकीम जुमले वाहिदा क्यों नहीं नाजिल कर दिया गया, यानी एक साथ क्यों नहीं नाजिल कर दिया गया। जैसे हजरत मूसा अलैहि सलाम को पूरी तौरे तख्तियों की शक्ल में दे दी गई, एक साथ दे दी गई, कुरान हकीम को तदरीजन जुजअन जुजअन रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली क्यों उतारा गया, जुमले वाहिदा क्यों नहीं उसको उतार दिया गया। वकार الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده, कुरान हकीम को जुजान जुजान 23 सालों में उतारने की क्या जरूरत थी, कुरान हकीम एक बार क्यों उतार दिया जाता। उसका जवाब दिया जा रहा है कदालिक लिनुसब्बित बिही फुआदक, इस वजह से ताकि हम कुरान हकीम के मफाहीम को, मानी को, अल्फाज को आपके
दिल के अंदर जमा दे, बिठा दे। लिनुसब्बित भी फुआदन, जरा गौर फरमाए, बारिश ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। अगर रफ्ता रफ्ता जमीन पर बरसे तब तो रहमत है, और चार महीने का पानी एक ही दिन में बरस जाए तो जहमत है। इसी वजह से कुरान हकीम बारान रहमत की मिसाल है, जो मुसलमानों के दिलों के ऊपर रफ्ता रफ्ता बरसा ताकि उनके कुलूब की खेतियां हरी भरी रहे, फसलें अच्छी उगे और फसल अच्छी आए। कदालिका लिनुसब्बित भी फुआदक। एक मिसाल और, उस्ताद अपने शागिर्दों को एक ही दिन के अंदर पूरी किताब पढ़ा सकता है, लेकिन बताइए एक ही दिन में उस्ताद अपने शागिर्दों को पूरी किताब पढ़ा दे तो ये सूदमंद रहेगा, या रफ्ता रफ्ता सबकन सबकन जुजान जुजान किताब को पढ़ाए तो ये फायदेमंद रहेगा। जाहिर है कि उस्ताद अगर एक ही दिन में शागिर्दों को पूरी किताब पढ़ा दे तो शागिर्द किताब के मजामीन को अच्छी तरीके से हजम नहीं कर पाएंगे। किताब के मजामीन को अच्छी तरह हजम कर लेने के लिए जरूरी है कि किताब को जुजान जुजान धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़ाया जाए। दादा बहुत ही प्यारा जवाब दिया गया। और उसके बाद कुरान हकीम की दो खूबियां बयान की गई, एक जाती और एक इजाफी। फरमाया गया वला यातूनक बिमसल इल्ला जीनाक बिलहक व अहसन तफसीरा। कुरान हकीम की जाती सिफत यह है कि काते शुभ है, कोई भी सवाल किया जाए, कोई भी शुभा पैदा हो, कुरान हकीम उस शुभे को काट देता है। जितने भी शुभात ज़हन इंसानी में पैदा हूं, कुरान हकीम खुद कफील है कि उन तमाम शुभात का काते हो, उन तमाम शुभात को काट दे, तमाम शुभों का जवाब दे दे। तो ये उसकी ज़ाती सिफ़त है, ज़ाती खूबी है। और अर्जी खूबी, इजाफी खूबी क्या है कि करीबुल फहम है। अगर कोई आदमी समझना चाहे तो कुरान हकीम के मजामीन को आसानी से समझ सकता है। वही फरमाया गया वला यातून का भी मसल, अगर कोई सवाल किया जाए तो जवाब जो दिया जाएगा वो तो हक होगा या अहसन तफसीर होगा। यानी उसकी एक ज़ाती खूबी है कि वो काटे शुभ है, शुभात को काट देता है, आदमी के जहन में फिर शुभा नहीं रह जाता, फिर सवाल नहीं पैदा होता। और दूसरे कुरान हकीम को अगर कोई समझना चाहे तो आसानी से समझ सकता है। लिहाजा उन लोगों का यह प्रोपेगंडा बिल्कुल बातिल है कि कुरान हकीम को पढ़ने से आदमी गुमराह हो जाता है। दरहकीकत यह एक यहूदियाना प्रोपेगंडा है कि किताब हकीम को छोड़ करके लोग दूसरी किताबों का मुताला करें और लोग मुसलमानों को दूसरी किताब की तरफ मायल करें। यह दरहकीकत कुरान हकीम के खिलाफ एक यहूदियाना प्रोपेगंडा है। जब कुरान हकीम अहसन तफसीर है, कुरान हकीम करीबुल फहम है, आसानी से समझा जा सकता है, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, तो फिर उसके खिलाफ ये प्रोपेगंडा करना कि कुरान हकीम सबकी समझ में नहीं आता, दर हकीकत ये एक किस्म का यहूदियाना प्रोपेगंडा नहीं तो फिर और क्या है। तो वला यातूनक बिमसल इल्ला जीनाक बिलहक व अहसन तफसीरा। उसके बाद कहा गया कि इंसान तमाम मखलूकात में सबसे आला दर्जे की मखलूक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जानवर हो जाता है, बल्कि जानवरों से भी गया गुजरा। एक सवाल आप कर सकते हैं, जानवर कैसे होता है और जानवरों से गया गुजरा कैसे होता है, वो मैं समझा रहा हूं। इंसान है, इंसान जानवर हो जाता है, ये समझाना है मुझे, और इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है, ये समझाना है। इंसान जानवर कैसे होता है और फिर जानवर से बदतर कैसे होता है, ये दोनों बातें हम समझाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया इनहुम कल अनाम बल हुम अजल, ये जानवरों की तरह बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तो पहले हम समझाएंगे जानवर कैसे। बताओ जानवर का काम क्या है, दो ही, पेट भर जाए और मादा के साथ उसकी ख्वाहिश की तस्कीन हो जाए, बस बतन और फर्ज, इसके अलावा उसकी तगोदो का कोई मकसद नहीं होता। गोया जानवर की सारी तगोदो का मकसद ये है कि उसका पेट भर जाए और मादा के साथ उसके ख्वाहिशे नफ्स की तस्कीन हो जाए। सरापा बतन, सरापा शहवत,
कौन जानवर? अगर इंसान की भी तगो दौ का महवर यही दोनों चीजें बन जाएं, खाओ और ऐश करो, तो फिर इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान जब जानवरों से आला मखलूक है तो बदन और फर्ज से, बदन और शहवत से ऊंचा उठ करके उसे देखना पड़ेगा कि मेरा और कोई मकसद है या नहीं है। तो वो जानवर की तरह है। कैसे? जानवर की तगोदाव का सारा महवर क्या है? पेट और शर्मगा। अगर पेट और शर्मगा यही इंसानी जिंदगी का की तगोदाव का महवर बन जाए तो फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या? अच्छा, उससे भी बदतर हो जाता है, वो हम समझाना चाह रहे हैं। जानवर ये समझता है कि कौन सी घास, कौन सा खाना मेरे लिए मुजिर है और कौन सा खाना मेरे लिए फायदेमंद है। जो घास उसके लिए फायदेमंद होती उसी को खाता है, और जो फायदेमंद नहीं होती उसको सूंघ करके छोड़ देता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने फायदे की और नुकसान की चीज को अच्छी तरह समझता है। इसी तरह इंसान अगर खैर और शर की राह के दरमियान तमीज ना कर सके तो वो जानवरों से भी गया गुजरा है। कम से कम जानवर को तो अच्छा बुरा मालूम है कि ये घास मेरे लिए नाफे है और ये घास मेरे लिए मुजिर है। अगर इंसान ये ना समझ सके कि मेरे लिए कौन सा रास्ता नफा बख्श है और कौन सा रास्ता मेरे लिए मुजिर है तो वो जानवरों से भी गया गुजरा हो गया। कम से कम जानवर को मालूम है कि कौन सी घास मेरे लिए नाफे है और कौन सी घास मेरे लिए मुजिर है। कितनी प्यारी बात कही गई, एक जुमला है और उसकी शरह तफसीर में आप पूरी किताब लिख सकते हैं। इन्हुम इल्ला कल अनाम बलहुम अबल, वो नहीं है मगर जानवरों की तरह बल्कि उससे भी गए गुजरे। और उसके बाद बास बादल मौत पर एक इंतहाई हसीन दलील दी जा रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी दलील दी जा रही है। दलील यह है कि नींद एक मुख्तसर मौत है और बेदारी एक मुख्तसर जिंदगी। नींद इसी वजह से कहा गया कि अन्नौम अखुल मौत, नींद मौत की बहन है। नींद मौत की बहन है, पता ये चला कि नींद एक मुख्तसर मौत है और बेदारी एक मुख्तसर जिंदगी। अब अगर नींद के बाद आदमी बेदार होता है, नींद के बाद